नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी के एक और वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी से जुड़ी दो महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो साथियों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, सबसे पहला अपडेट निकल कर आ रहा है नांदेड़ महाराष्ट्र से। जी हाँ साथियों, 28 सितंबर को कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में NSC का एक बड़ा सम्मेलन नांदेड़ महाराष्ट्र में किया गया था। साथियों, हम सभी को पता है 27 सितंबर को देश भर के जितने भी EPFO कार्यालय थे वहाँ पर पेंशनरों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया था। EPFO के सारे कार्यालयों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी कि मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी की जाए। साथियों, इसके तुरंत बाद 28 सितंबर को महाराष्ट्र के नांदेड़ में कमांडर अशोक रावत जी ने एक बड़ा सम्मेलन आयोजित किया जिसमें हजारों की संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे। में आप साफ देख सकते हैं कमांडर अशोक रावत जी के अलावा NSC के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। यहाँ पर उन पेंशनरों का सम्मान किया गया जिन्होंने NSC के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पेंशनरों की हक की लड़ाई के लिए वह हमेशा आगे रहे। साथियों, इसके अलावा NSC के बड़े बड़े नेता भी इस सम्मेलन में उपस्थित थे। इसके अलावा कमांडर अशोक रावत जी ने सभी पेंशनरों को संबोधित किया। 27 सितंबर को देश भर के EPFO कार्यालय में क्या गठित हुआ सबको अवगत कराया। इसके अलावा 1 तारीख को यानी 1 अक्टूबर को मुंबई के आज़ाद मैदान में किस तरह से सम्मेलन होने वाला है, किस तरह से पेंशन एकत्रित हो रहे हैं, इसके बारे में सबको संबोधित किया। आपल्या सर्वांना एक गुरुजी करायचं आहे। आपलं जर काम झालं आपण जे संघटना मिळून आपण सगळे मिळून करू त्याचं काम नक्कीच करायचं। जर काम झालं नाही पुन्हा मग काही भाऊ काय करतील ते भाऊचे डॉक्टर करून काय ते सुद्धा करून काय नाही। आता फक्त आपण आपल्यासाठी लढायचं बरोबर आहे आपल्यासाठी आणि म्हणून तुम्हाला सगळ्यांना मी 1 तारखेचं आमंत्रण द्यायला आलो। मी 1 तारखेचं आमंत्रण द्यायला आलो। मग हे काही बिना शेती हमान मध्ये उडी म्हणून त्यांना त्यांना 5 हजार 19 तारखेला आंदोलन केलं बरोबर आहे की BNSP केलं की त्यांना मात्र आपण भारतीय जनता पार्टीची संघटना आहे तर आपण आता बाबा विसरून आलो। अहो बाबा, हे आमचे पैसे त्यांच्याकडे त्यावर चर्चा चालू। तुम्ही मध्ये मध्ये बोलून सांगता की यांना 5 हजार देऊन टाका असं झालं की नाही बरोबर आहे का? बरोबर आहे का? त्यामुळं आपल्याला आता आंदोलन करावं लागलं ज्यामध्ये आपण कधी कालच जे आंदोलन आपण देशभर केलं त्याच्या BNSP आंदोलन अपेक्षा कष्ट प्रयत्न हे त्याच्या माध्यमातून प्रकट झाले। त्यामुळं तुम्हाला एक अतिशय सांगू इच्छितो आपला विजय लवकर होणार आहे इसके अलावा दूसरा बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है NSC के मुख्यालय बुल्डाना से जहां पर राष्ट्रीय संघर्ष समिति के द्वारा क्रमिक अनशन जारी है। कल 28 सितंबर को 5 वर्ष और 280 दिन पूरे हो चुके थे, 6ठा वर्ष जारी है। कल राष्ट्रीय संघर्ष समिति के नेता श्री NB वाघ जी और श्री SK चौरे जी के अलावा श्री NR आरक जी ने अनशन में भाग लिया और क्रमिक अनशन को आगे बढ़ाया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी काफ़ी संख्या में पेंशनर्स उपस्थित थे। तो साथियों, ये EPS 95 मिनिमम पेंशन बढ़ोतरी को लेकर दो महत्वपूर्ण अपडेट थी जो आज के इस वीडियो में हमने कवर की। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये अपडेट कैसी लगी, आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। इसी तरह की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।